दिशा निर्देश के क्रम में शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन के माध्यम से चालान भी किया जा रहा है। साथ ही चौक चौराहों पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों और राहगीरों व अन्य यातायात समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को इमरजेंसी बटन दबाकर उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल कर दिया जाएगा। वहीं जनपद में अपराध व अपराधियों पर भी आईटीएमएस के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। इनको बाधित ना करें, ये जो भी ऑटो चौराहे के करीब रोक के सवारी भर रहे हैं तत्काल हटा लें, अन्यथा आपके वाहन का ऑटोमेटिक ई चलान कर दिया जाएगा। नहीं तो आपके वाहन का ऑटोमेटिक ई चलान यहाँ से किया जा रहा है। कृपया बाएं लेन पकड़ के बाएं चले जाएं, अनावश्यक रूप से अपने वाहन को ना खड़ा करें। ये मोदीपुर से पैंडागंज वाली रोड पे पूरी बाइकें खड़ी हैं, जो भी बाएं खड़े हैं या बाएं लेन को बाधित किए तत्काल खाली कर दें, बाएं जाने वालों के लिए रास्ता दें। आपसे विनम्र अनुरोध है, जिनको भी बाएं से बाएं जाना है उन्हें बाएं जाने के लिए रास्ता दें, बाएं जाने के लिए रास्ता दें। ये पीला कलर का शर्ट पहने हुए स्कूटी पे बैठे हैं, बाएं लेन को बाधित कर रहे हैं, तत्काल हटाएं अपने वाहन को वहां से, अन्यथा आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। बाएं लेन को खाली कीजिए, पीला शर्ट पहने हुए हैं। बिग बाजार के बगल में ये ऑटो रोक के लेन को बाधित कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि तत्काल हटा लें ऑटो को, तत्काल हटाना सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। जो भी वाहन जेब्रा लाइन से आगे खड़े हैं, 207 है, हाँ 207, कृपया ध्यान दें, ये जितने भी वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से आगे हैं, तत्काल अपने वाहन को पीछे करें। कृपया ध्यान दें, ये जितने भी वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से आगे हैं, तत्काल अपने वाहन को पीछे करें, अन्यथा आपका कंट्रोल रूम के द्वारा ई चालान किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, चौराहे पे खड़े सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि हेलमेट व सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें, यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए आईटीएमएस कार्यालय के प्रभारी कांस्टेबल मोहम्मद नौशाद ने बताया। सर, एक तरह से मानिए तो ये ट्रैफिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कड़ी है। यहाँ से ट्रैफिक सिस्टम को हर एक समस्या का सॉल्यूशन है। सर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनको समस्या होती है सर, तो ये कोशिश किया जाता है सर उनकी समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए। सर, जैसे हमारा यहाँ सर ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हैं सर, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का बॉक्स है सर, इससे हर व्यक्ति को अगर कोई भी समस्या की उत्पन्न होती है तो इससे उसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। यहाँ पे इमरजेंसी बटन है, उसको दबा के आप हेल्प हमसे ले सकते हैं सर, किसी भी तरह का सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा कोई समस्या है, तो उसके लिए भी हम हर तरह से तैयार रहते हैं सर। तो आज के परिवेश में सर आईटीएमएस एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है सर, ट्रैफिक सिस्टम में और क्राइम सिस्टम को कंट्रोल करने में सर। अभी आपने बताया कि कुछ लोगों का पर्स गायब हो गया था तो उनको वापस किए और बाकी कुछ चाइनीज क्रॉसिंग का काम कम हुआ है सर। क्या सर, अभी एक हफ्ते पहले की बात है सर, एक शख्स थे जो दिल्ली से आए थे, अपना सामान एक ऑटो में भूल गए थे सर, और आगे लगे रोने कि हमारा सामान छूट गया है। परवारी चौकी इंचार्ज ट्रांसपोर्ट नगर महोदय द्वारा उन्हें लेके आए और उन्होंने कहा कि इस सामान को, इनके सामान को सर्च करिए। हम लोगों ने सामान को सर्च किया और सामान को सर्च करके उनको पूरे सामान के